नहीं होगा। माजी ले कैच कर, माजी ले कैच कर, देख 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 देख, वो होते हैं शूज के पास। कहाँ है? अरे है मेरी दोनों पीछे, वो कितना है पीछे, थोड़ी जाल पे हो जाए ना, जाल पे। तो ये है बढ़िया, इसका नाम है चुन्नी, इसका नाम क्या रखूं? जाल पे हो गई थोड़ी सी, जो दोनों डाल पीछे पूरी पूरी। इनका नाम क्या रखूं मम्मा? सीता। इसका नाम है वंशी का भूमिका। कोई अच्छा सा नाम बताओ। स्वीटी पिंकी। हाँ पिंकी, इसका नाम है स्वीटी। रिंकी पिंकी। रिंकी पिंकी भी सही है, इसका नाम है रिंकी और इसका नाम है पिंकी। ये देखो पिंकी डांस करेगी अब, ढिंका टिका ढिंका टिका ढिंका टिका, ओह ढिंका टिका, ओहो ढिंका टिका, ढिंका टिका ढिंका ढिंका टिका, ढिंका टिका ढिंका डिम लक लक डम डम लक 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 डम 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 लक लक डम डम लक लक डम। ऐसे हो रही है और पता है अभी नहीं ये होएगी ऐसी पहले से। नहीं आ जा घड़ी दिखा दे अपनी, देख कितनी अच्छी कुर्सी है तेरी, सोफा वाली कुर्सी है। भाभी पीहू राम राम जी। हेलो अंकल, आप मैं और माँ जी। हाँ और मैं कल नए साल पर गुड़िया लेकर आई हूँ। ये सोफा है इसका, ये देखो ये कुर्सी टेबल है, ये सोफा है इसका लंबा वाला, ये सोफा और ये घड़ी है, ये चेयर है बैठने, दो पिंक है दो ऑरेंज है। हमारी तरफ से नए साल की, और ये थोड़ी सी कल न्यू ईयर पे क्या खाया था? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? हमारी पोती ये सामान ले आई है, सोफा। गुस्सा नहीं होते? कल न्यू ईयर पे क्या क्या खाया था बता जल्दी से। ये यहाँ पे देखो, मैं कर दूंगी इनको ठीक, मैं कर दूंगी पीयू इनको ठीक। ये कैसे हो गया? अरे ये तो जोड़ दूंगी बेटा, जुड़ जाएंगे ये तो, जुड़ जाएगी बेटा, वहां तो जुड़ जाएगी। कहा बोला फैलती, क्या क्या खाया था कल बता जल्दी सी, बता देती हूँ। छोले की सब्जी, इधर देख के बताना। छोले की सब्जी खाई थी और रोटी खाई थी पूरी। अच्छा और समोसे किसने खाए थे? मैंने समोसे खाए थे। पूरी किसने खाई थी? मैंने। आपने खाई थी? मैंने भी खाई थी। तो फिर रोटी कहाँ से खा ली तूने? कल तो रोटी बनी नहीं थी। रोटी बनी थी कल, रोटी खाई थी तूने? झूठी, ऊपर देख के बात कर। पूरी खाई थी मेरे को, इसे खाने दो। पूरी खाई थी, पूरी की सब्जी छोले की बनाई थी और वो पूरी की सब्जी। पीमा जी क्या कह रही है? पूरी की सब्जी खाई थी है ना? और पी तो गुस्सा हो गई, गुस्से थोड़ी ना होते हैं। अब बर्थडे मेरा था और पीहू के लिए गिफ्ट आया है ना, ये पीहू का ही गिफ्ट है ना ये। न्यू ईयर था। अच्छा तो बर्थडे किसका था? इसका था, जो न्यू ईयर का आई है तो ये इसी का था रहेगा बर्थडे। अब पीहू हर साल इसका बर्थडे बनाएगी। क्या नाम रखा है तूने इसका? फिर इसका केक भी कटेगा, केक कटेगा और फिर इसके लिए छोले की सब्जी बनेगी, पूरी बनेगी, कचौरी बनेगी है ना। ये मेरी बेटी है। तेरी बेटी है ये? तो अभी आ गई हूँ मैं छत पे और 5:30 हो रहे हैं और आज धूप खूब अच्छी खासी निकली थी और जैसा कि आप देख रहे हो 5:30 बज रहे हैं, अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है और आंटी खड़ी हुई है छत पे। आंटी हाय कर दो। छत पे इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे,
पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और कपड़े सूख चुके हैं। आज मेरे खूब अच्छी खासी धूप निकली थी तो बस अब कपड़े उतारने हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे सारे कपड़े हैंगे। बस अभी कपड़े उतारूँगी फिर जाऊँगी नीचे। चाय बनानी मैंने रख दी है मंदे गैस पे, धीमे गैस पे, और आज बनाऊँगी मैं कढ़ी, कढ़ी पकौड़ी, जो आपके सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। पीहू भी आ चुकी है तो चलिए पहले मैं उतार लेती हूँ कपड़े, फिर करती हूँ आपसे बात। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में कपड़े लेने, कपड़े उतारने के बाद, और यहाँ पे मैं पकौड़ी के लिए पेस्ट तैयार कर रही हूँ। तो बेसन लिया है और बेसन में मैं डाल रही हूँ ये मसाले। इसमें मैंने डाले हैं लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग मैंने डाली है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी डालते हैं तो गुठलियाँ रह जाती है। तो ये मेरा हो गया है मिक्स अच्छे से। अब इसको मैं 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी साइड में, क्योंकि पकौड़ी फिर फूली फूली बनती है। और यहाँ पे मैंने दही लिया है और दही में मैं लगा रही हूँ रई, और रई लगाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन मैंने लिए हैं 4 चम्मच, तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें बिल्कुल भी डलियाँ नहीं रहनी चाहिए, सूखी जो बेसन की बन जाती है, तो अच्छे से इसको मिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और फिर मैंने रख दिया था इसको कढ़ाई पे, तो साथ के साथ मैं चलाती भी रहूँगी, क्योंकि एकदम जब गैस पे रखते हैं तो फटने का डर होता है कढ़ी का, तो इसको चलाते रहना चाहिए। और इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दी है, मिर्च नहीं डालूँगी अभी तो, और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है इसमें। तो अब यहाँ मैं बना रही हूँ पकौड़ी, साथ के साथ पकौड़ी भी बन जाएगी, क्योंकि 5-10 मिनट ऊपर हो चुके थे रखे हुए। तो यहाँ मेरी पकौड़ी हो चुकी है और फूली फूली एकदम नरम बनती है अगर थोड़ी देर हम पेस्ट को रख देते हैं। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ी हो चुकी है, अब मैं इसका तेल कम कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने तड़के के लिए तैयार की है लाल सूखी मिर्च है ये, और 2 कलियाँ हैं लहसुन की। और अभी मेरा तेल हो चुका है, तो तेल में मैंने डाल दिया है मेथी और सौंफ, इसी का ही तड़का लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अब लहसुन डाल दिया है, और साथ के साथ मैं ये लाल मिर्च डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये डाल के। इसी का ही मैं तड़का लगाती हूँ हर बार, और मैं क्योंकि मेरी मम्मी क्या करती थी, पहले छोंकती थी कढ़ी को, लेकिन मैंने यही तरीका अपनाया है और इसी तरीके से मुझे बहुत अच्छी लगती है कढ़ी। तो यहाँ पर मैंने उसको ब्राउन होने देने के लिए छोड़ दिया है, तब तक ये ब्राउन होएगी तब तक मैं कढ़ी चलाती रहूँगी। तो अब ये हो चुकी है तैयार, अभी इसमें मैं डाल दूँगी लाल मिर्च टेस्ट के अनुसार, क्योंकि कढ़ी में नहीं डाली थी मैंने। तो यहाँ पे अब मैंने कर दिया है ये गैस बंद, और मेरा तड़का हो चुका है तैयार। तड़के को मैं डाल दूँगी कढ़ी में, और कढ़ी कम से कम 1-1.5 घंटे तक गैस पे रहनी चाहिए, तभी टेस्ट आता है, नहीं तो वो कच्ची कच्ची सी लगती है। तो साथ के साथ मैं पकौड़ियाँ भी डाल दूँगी, और धीमा गैस करके मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि जो इसकी महक है कढ़ी में बनी रहे। तो 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ, और कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके से बनाई जाए। तो मेरी हो चुकी है कढ़ी तैयार। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 हो रहे हैं, और कढ़ी मैंने बना ली है, और बच्चों ने अभी खाए हैं चावल, क्योंकि दोपहर में बनाए थे मैंने चावल, तो बच्चों ने अभी चावल खाए हैं। तो रोटी बनानी रह रही है, रोटी मैं तभी बनाऊंगी जब ये आएंगे। और यहाँ पीछे जो दरवाज़ा ये खुला हुआ है, ये मैंने इसलिए खोल रखा है क्योंकि अभी कढ़ी बनाई है, और किचन में खिड़की नहीं है, बाहर की तरफ हॉल की तरफ है, तो सॉरी कढ़ी बनाई है तो फिर पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने दरवाज़ा खोल रखा है, नहीं तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ, क्योंकि बाहर आते हैं बहुत सारे बंदर, तो अंदर आने का उनका डर होता है, तो इसलिए मैं खोलती नहीं हूँ।
तो अभी बर्तन हो रखे हैं बहुत सारे क्योंकि कढ़ी बनाई है, कढ़ी में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी बर्तन माँजूंगी और रोटी बनाई बनाऊंगी तभी जब वो आएंगे, क्योंकि बच्चे मेरे ख्याल से एक आधी ही रोटी खाएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो का एंड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं काम में लग गई तो मैं भूल जाऊंगी वीडियो का एंड करना। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और प्लीज़ फुल वॉच किया करो मेरी वीडियो को। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ चुप साथ में बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जल्दी से आ जाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज तो ठंड नहीं है, आज धूप अच्छी निकली थी तो कपड़े भी सूख गए हैं मेरे, बस ये तो पीछे सूख रहे हैं, थोड़े मोटे हैं तो ये हल्के हल्के से बाजू में से हैं जो हल्के हल्के से गीले हैं, वैसे सूख गए हैं आज कपड़े क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा टाइट निकली थी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।